आप आधे घंटे वीडियो नॉन स्टॉप नहीं देख पा रहे और आपको लगता है कि आप इंग्लिश लिटरेचर में अच्छा पढ़ लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो आप ऑनलाइन बैठ के देखा तो करिए, ठीक है, और फिर वीडियो डाउनलोड मारे कि होता क्या है, आपने जो बिना उसको ऑनलाइन देखे डाउनलोड मार दिया शुरुआत के 2 या 1 या 2 ही मिनट में। मुझे पता है आपको पता है कि वीडियो अच्छी है तो डाउनलोड मारो, बाद में देखेंगे, आप इसीलिए करते हैं। लेकिन होता क्या, आपको तो पता है इस चैनल के बारे में, जब आप वीडियो डाउनलोड कर देते हैं तो वो वीडियो जो है आगे स्प्रेड नहीं होती है। यानी कि मान लीजिए कि मैंने ऑटोमेटिक मोनोलॉग बनाया था, वो वीडियो जो है 30 से 31 लोगों ने देखा, 31 लोगों ने देखा, और सबने जो उसमें से मतलब कि 27 लोगों ने डाउनलोड मारा बिना ऑनलाइन देखे, उससे क्या हुआ वो वीडियो डाउन चली गई। अब कोई भी ऑटोमेटिक मोनोलॉग सर्च करेगा तो उसे मेरी वीडियो नहीं दिखाई देगी, अराउंड 20th या फिर 21 नंबर पर आएगी। तो मतलब क्या हुआ कि उन लोग को 5 से 6 मिनट की वीडियो दिखाई देगी, समझ में आ रहा ना, तो उनका लॉस हो गया, उन बच्चों का लॉस हो गया जो ऑटोमेटिक मोनोलॉग पढ़ सकते थे काफ़ी अच्छा। ऐसे ही बाकी वीडियोज के साथ भी हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए, ठीक है। आप ऑनलाइन देखिए, आपको डाउनलोड करने का कोई मन नहीं कर रहा, एक बार ऑनलाइन देख लीजिए पूरा, फिर आप डाउनलोड मारा करिए। आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ दिस चैनल वर्क्स एंड विल वर्क, मतलब कि ये चैनल कैसे काम करता है और आगे कैसे काम करेगा, ठीक है। ये वीडियो मुझे ज़रूरत पड़ गई बनाने को, क्योंकि बाकी बहुत से बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे कि सर नोट्स नहीं क्लियर है, या फिर वीडियो कब आएगी, या इस पर्टिकुलर सेक्शन की वीडियो कब आएगी, ये वीडियो बना दीजिए, वो वीडियो बना दीजिए, ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि पहले इस चैनल के बारे में एक बार बता दे क्लियर करके किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में, ताकि मैं बार बार आगे जो भी वीडियो बनाऊंगा उस पर मैं रेफरेंस दे सकूँ कि आप जाके ये वीडियो देख सकें। इसी पर्पज़ से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मतलब अपलोड कर रहा हूँ, छूट तो अभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप बाकी लोग जानते भी होंगे कि मैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों क्लास पैरेलल पढ़ा रहा हूँ। पैरेलल मतलब क्या होता है कि वीडियो आती है जो कि फर्स्ट ईयर की भी आती है और सेकेंड ईयर की भी आती है, ठीक है, आपको तो पता ही होगा, लेकिन बाकी बच्चों को नहीं पता कैसे सेकेंड ईयर और कैसे फर्स्ट ईयर। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि मैं कानपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस फॉलो कर रहा हूँ, मतलब जो भी वीडियो जो है ब्लैक कलर में होती है वो किस में होती है कि वो फर्स्ट ईयर वालों बच्चों के लिए होती है, और जो भी वीडियो जो है व्हाइट कलर में होती है, यानी व्हाइट थंबनेल में होती है एक तरीके से, वो सेकेंड ईयर वालों बच्चों के लिए होती है, ठीक है। हाँ, सेकेंड ईयर बच्चों को जो है फर्स्ट ईयर के सारे वीडियोस देखनी चाहिए, अगर वो उनको अपना जो है कॉन्सेप्ट मजबूत करना है तो, हालांकि वो देखते नहीं है। ये देखने वाली बात भी हम बात करेंगे, थोड़ा सा काम है। और मैं थर्ड ईयर में हूँ इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, मेरा खुद का अभी थर्ड ईयर चल रहा है, और मैंने इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों सब्जेक्ट लिया हुआ है ऑन माई फाइनल ईयर, ठीक है। ये बहुत से पूछे थे इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। एंड देर इज नो बायस नॉलेज, नो चीप नॉलेज, ओनली प्योर एंड फ्री नॉलेज। फ्री नॉलेज अच्छा था ना, राइम स्कीम बन गई। तो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपसे कोई मनी चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी पीडीएफ फाइल का व्हाट्सएप पे चार्ज करता हूँ, ठीक है। आप केवल पढ़िए और पढ़ने पर फोकस करिए, इस चैनल का पर्पज़ केवल यही है। और अगर आप जो है पासिंग मार्क्स पाना चाहते हैं अपने एग्जामिनेशन में, या फिर आपने इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट ले लिया है अपने ग्रेजुएशन में, बस ऐसे ही एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया है, तो ये चैनल आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये चैनल में हम इंग्लिश लिटरेचर से प्यार करते हैं एक तरीके से, तो मैं उसी तरीके से पढ़ाता भी हूँ। तो अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में आगे कुछ करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं और इसे कुछ सीख सकते हैं, या फिर अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में अपनी मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं और जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आप हाई मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं वो भी, ठीक है। तो इंग्लिश लिटरेचर को आप सीरियस लेते हैं तो इस चैनल को फॉलो करिए, मैं पहले बता दे रहा हूँ। और हर एक वीडियो के लास्ट में नोट्स होते हैं, ऐसे मैं पूरा पूरे वीडियो पढ़ाता हूँ, तो वीडियो के जो लास्ट का जो 1 मिनट होता है उस वीडियो उस लास्ट सेक्शन में नोट्स आते हैं, तो नोट्स आपको जो है पॉज करते हुए लिखना होता है, ठीक है। और कई ऐसे भी होता है कि जो शुरुआती वीडियोस थी, जो मेरे से जैसे कि मेरा जो है फॉर्म्स और ड्रामा का जो वीडियो है ट्रेजडी वाला, और टाइप्स ऑफ ट्रेजडी में जो ग्रीक ट्रेजडी पढ़ाया है मैंने और इंग्लिश ट्रेजडी पढ़ाया, उसके बाद मैंने जो इसमें आई थिंक शायद मैंने ट्रेजिक कॉमेडी पढ़ाया था उसके बाद, तो ये जो 3 वीडियो सेकेंडरी सेक्शन में, और फर्स्ट ईयर में जो है सोनेट वाली है, एलिजी है, ठीक है, और शायद मेरे ख्याल से और कौन से सोनेट है, एलिजी, 2 ही वीडियो ऐसी हैं जिसमें जो है नोट्स क्लियर नहीं है। मतलब मुझे स्टार्टिंग में इतना आता नहीं था ना, तो मैंने जिस तरह से मुझे सही लगा मैंने नोट्स डाल दिया, लेकिन उसके बाद की जितनी वीडियोस आई हैं सब में नोट्स एकदम क्लियर होते हैं, एकदम विजिबल होते हैं। और तो उन वीडियोस के नोट्स आप जो है व्हाट्सएप में मुझसे ले सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, और अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे भी दिख रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ से आप इससे नोट कर लीजिए। और हाँ, व्हाट्सएप में केवल एकेडमिक सपोर्ट ही मिलेगा आपको, मतलब कि आप जितनी भी पढ़ाई संबंधित चीज़ें हैं आप वही पूछ सकते हैं या फिर वही जान सकते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं, सीरियसली और कुछ नहीं। आई स्प्रेड रियल नॉलेज टू यू, माई हार्ड वर्क टू यू, सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक दिस चैनल एज अ एम्बलम ऑफ नॉलेज इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सो स्प्रेड विद दोज हु नीड इट। इंग्लिश में कुछ ज़्यादा बल्ले से मार दिया, हिंदी समझा देते, ठीक है, कि मैं अपना हार्डवर्क आपको दे रहा हूँ ना, तो मैं जो हार्डवर्क करता हूँ उससे आपको जो भी नॉलेज गेन होता है आप उससे जो है दूसरों को शेयर करिए, कि उसको भी बताइए कि भाई ये चीज़ ऐसे हो सकती है, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, या फिर इस चैनल को फॉलो कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे ही बताइए, आप खुद भी दूसरों को पढ़ा सकते हैं मुझसे पढ़ के, या आप खुद से पढ़ के भी दूसरों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। मेन
पर्पज़ क्या है कि इंग्लिश लिटरेचर का जो नॉलेज है वो सही नॉलेज दूसरों को जाए, ठीक है, ऐसा ना हो कि बस लिखते जाए जो हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये देखिए, आपके जो फ्रेंड्स हैं या भी जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है उसमें जिसके पास इंग्लिश लिटरेचर है उनके पास भी जो रियल नॉलेज हो जो आप मुझसे गेन कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट से बात कर लिए, एक पॉइंट रह गया कि आप जब वीडियो देखा करिए तो ईयरफोन का यूज़ किया करिए। ईयरफोन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं लेक्चर देता हूँ ना, जिसमें वन वे लेक्चर दे रहा हूँ तो आपको वन वे सुनना ज़रूरी है, इसलिए बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, ना ही बीच में मैं बीच में कोई कहता हूँ कि आप ये नोट करिए। हालांकि जब कोई मैं नई चीज़ बता देता हूँ तो मैं कहता हूँ ये नोट्स में नहीं लिखा है मैंने, वो आप लिख लीजिए, ठीक है। और एक चीज़ क्या है, डाउनलोड को लेकर के मैं आपको जरा सा ये इसको जरा सा एग्जैक्टली समझिए, ठीक है। होता क्या है, आप वीडियो डाउनलोड करते हैं, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं डाउनलोड का ऑप्शन जो है इस तरह कुछ करता भी नहीं कि वो बंद हो जाए, ठीक है। हालांकि तरीका है लेकिन वो सब अच्छी बात नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आप वीडियो डाउनलोड करें, मैं खुद चाहता हूँ, लेकिन इसका आप तरीका देख लीजिए क्या होता है कि आप पहले वीडियो एक बार ऑनलाइन देख लीजिए, आप एक बार वीडियो ऑनलाइन देख लिया करिए, फिर उसको डाउनलोड किया कि 360 पिक्सल में, ताकि आपको नोट भी क्लियर दिखाई दे और बोर्ड में भी जो भी मैं लिखूँ वो भी क्लियर दिखाई दे और मैं भी थोड़ा ठीक ठाक दिखाई दूँ, ठीक है। तो 360 पिक्सल में आप डाउनलोड कर लिया करिए। और एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब आप वीडियो डाउनलोड करते हैं बिना ऑनलाइन देखें, ठीक है, होता क्या अभी तक किसी ने भी, मैं आप सारी वीडियो से बात कर रहा हूँ, कोई भी वीडियोज़ जो है जितनी मैंने बनाई है 17-18 मिनट जो भी स्टडी वाली है उसका जो है 5 मिनट के ऊपर किसी ने देखा ही नहीं है, मतलब 5 मिनट तक कोई रुकता नहीं हो। तो आप अगर नॉलेज गेन करना चाहें तो आप उसमें आधा घंटा तो वीडियो देखिए, आप आधे घंटे वीडियो नॉलेज तो आप नहीं देख पा रहे और आपको लगता है कि आप इंग्लिश लिटरेचर में अच्छा पढ़ लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो आप ऑनलाइन बैठ के देखा तो करिए, ठीक है, और फिर वीडियो डाउनलोड मारा कि होता क्या, आपने जब बिना उसको ऑनलाइन देखे डाउनलोड मार दिया शुरुआत के 1 या 2 ही मिनट में, मुझे पता है आपको पता है कि वीडियो अच्छी है तो डाउनलोड मारो बाद में देखेंगे, आप इसीलिए करते हैं, लेकिन होता क्या आपको तो पता है इस चैनल के बारे में, जब आप वीडियो डाउनलोड कर देते हैं तो वो वीडियो जो है आगे स्प्रेड नहीं होती है, यानी कि मान लीजिए कि मैंने ड्रामेटिक मोनोलॉग बनाया था, वो वीडियो जो है 30 से 31 लोगों ने देखा, 31 लोगों ने देखा और सबने जो उसमें से मतलब कि 27 लोगों ने डाउनलोड मारा बिना ऑनलाइन देखे, उससे क्या हुआ वो वीडियो डाउन चली गई। अब कोई भी ड्रामेटिक मोनोलॉग सर्च करेगा तो उसे मेरी वीडियो नहीं दिखाई देगी, अराउंड 20th या फिर 21th नंबर पर आएगी। तो मतलब क्या हुआ कि उन लोग को 5 से 6 मिनट की वीडियो दिखाई देगी, समझ में आ रहा है ना, तो उनका लॉस हो गया, उन बच्चों का लॉस हो गया जो ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ सकते थे काफ़ी अच्छा, ऐसे ही बाकी वीडियोज़ के साथ भी हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए, ठीक है, आप ऑनलाइन देखिए, आपको डाउनलोड करने का कोई मन नहीं कर रहा, एक बार ऑनलाइन देख लीजिए पूरा फिर आप डाउनलोड मारा करिए, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को ध्यान देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएंगे, इस चैनल को भी और इस नॉलेज को भी। सी यू सून।